सखियां ने सजना है, मैं भी सवरना है, आज दिन चढ़िया तेरे नाम दा वे। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्योति प्रेम ऑफिशियल पे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज कोई ब्लॉगिंग वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि आज इतने दो दिन से यहाँ पे हल्द्वानी में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि बाहर निकलने जैसा नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा स्पेशल से वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे शादी का लहंगा। तो इससे रिलेटेड जो जो बातें हैं, कहाँ से लिया, क्या लिया, कितने का लिया और कैसे लिया, कौन सी शॉप से लिया, तो मैंने कहा मैं सारे आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरी शादी को 9 साल पूरे होके 10वां साल लग जाएगा। 11 दिसंबर को आती है हमारी एनिवर्सरी, तो 9 साल पूरे होके 10वां लग जाएगा। 10 साल में भी देखिए मेरा लहंगा अभी तक भी कितना अच्छा है। मैंने कहाँ से लिया, आपको किसी को हेल्प मिल जाए। इस समय के हिसाब से तो ये महंगाई था, लेकिन फिर भी थोड़ा लोगों को आइडिया मिल जाएगा ना कौन सी शॉप से लिया, क्या लिया। उस समय यही, आजकल तो वेलवेट वाले चल गए ना, उस समय नेट वाले में चलते थे, तो वही लहंगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नए आएंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, सब्सक्राइब पर क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये मैंने इसका ब्लाउज बनवाया था बाद में, जब मेरी ननद की शादी थी। इसका स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, पहले लहंगे से स्टार्ट। ये है मेरे शादी का लहंगा, ये कल मैंने निकाला था अपने बेड में से। ये इसका कवर नहीं है, इसका कवर दूसरा था। उस टाइम पे क्या होता है ना, शादी के टाइम पे पार्लर पे तैयार होते हैं, तो वहीं उसका कवर पता नहीं कहाँ चले गया था, तो मुझे नहीं पता। ये बाद में किसी चीज़ का कवर था, ये किसी ब्लैंकेट का या पता नहीं किस चीज़ का कवर था, तो मैंने इसको इसमें संभाल के रख दिया था। ये लहंगा मैंने शादी के बाद पहना है 2 बार। एक बार मैंने अपने पहले करवा चौथ में इसे पहना था, उसके बाद मैंने इसे पहना था अपनी ननद की शादी में। तो चलिए दिखाती हूँ आपको, ये है मेरा लहंगा और ये है पिंक कलर का, इसका चूड़ा भी पिंक कलर का था। तो चलिए खोलती हुई इसको, उससे पहले स्टार्ट करते हैं इसके ब्लाउज से। ये है इसका सुंदर सा ब्लाउज, ये नेट वाले में, जो नेट का होता है ना उसमें है, पहले नेट वाले ही चलते थे। तो देखिए ये है इसका ब्लाउज, सुंदर सा इसका ब्लाउज। अब तो ये मुझे बिल्कुल भी आने से रहा, सोचिए इतना सा इसका इतना सा इसका कमर है, तो सोचिए अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा। आपको मुझे देख के लग रहा होगा, मैं अपनी शादी की पिक भी लगा दूंगी इसमें। ये है, ये बैक साइड का है और यहाँ पे ऐसी लटकन लदीचे का इसका गला है। मैंने बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं रखा था, मुझे ज़्यादा डीप अच्छा नहीं लगता है। और ये इसके आगे से ही इसका पार्ट है, ये देखिए, ये आगे से ऐसे हुक वाला बनवाया था मैंने, पीछे से हुक वाला नहीं बनाया था, क्योंकि इसके बैक साइड में कढ़ाई ज़्यादा थी, तो इस वजह से पीछे से ये हुक वाला नहीं बन सकता था। ये रहा मेरा लहंगा, अभी इसका बताती हूँ मैं आपको। ये है ना सुंदर पिंक कलर का लहंगा, और मेरे चूड़ा भी ना इसी के साथ पिंक कलर का ही चूड़ा था मेरा। तो ये देखिए, ये रहा लहंगा, बहुत हैवी था, बहुत हैवी। अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैवी लग रहा है, पता नहीं मैंने उस टाइम पे ये कैसे पहना था, मुझे खुद नहीं पता कि कैसे पहना था। ये देखिए बहुत ही, जो फीस कट बोलते हैं ना, फीस कट ऊपर को थोड़ा सा ऐसे फिटिंग में, फिर नीचे को थोड़ा सा ढीला ऐसे में था। ये बहुत ही सुंदर सा लहंगा है, ये देखिए इतना प्यारा लहंगा था, और इसमें केन लगा हुआ था, वो वाली बात मैं आपको अभी बताऊंगी। ये देखिए बहुत ही प्यारा, इतना ये कम से कम 2.5 किलो का तो होगा ही, 2.5 किलो से भी ज़्यादा होगा, मुझे तो लग रहा है 3 या 4 किलो का तो होगा ही है ये पूरा लहंगा। तो मैं उतना ज़्यादा वो नहीं था ना, तो मैंने इसमें कुछ इस प्रकार की लटकन लगाई थी, ज़्यादा हैवी लटकन नहीं लगाई थी, मैंने खुद लगाई थी, तो इस प्रकार की लटकन लगाई थी। और इसके बैक साइड से ऐसे ऐसे चैन भी है इसके बैक साइड से। तो ये रहा मेरा, फुल दिखाती हूँ मैं आप लोगों को,
ये रहा मेरा लहंगा, ये देखिए मेरी शादी का लहंगा ये रहा, और इतना भारी है मैं इसको पकड़ नहीं पा, मैं केन केन भी लगी थी अंदर से, ये मैंने निकाल दिया जब मेरी शादी हुई थी 2014 में 11 दिसंबर को। उसके बाद 2 साल बाद मेरी ननद की शादी हुई थी, तो पीयू 1 साल की थी तब जब उनकी शादी थी, पीयू 1 साल की मार्च में हुई थी और उनकी शादी थी अप्रैल में। तो मैंने क्या करा इसके साथ, तो मुझे ये पहनना था क्योंकि मैंने ज़्यादा पहना नहीं था, उसके बाद मैंने ये करवा चौथ में पहना था इसे, तो मुझे पहनना था तो मन कर रहा था अपनी शादी का लहंगा पहनने का, तो मैं इतना हैवी भी नहीं पहन सकती थी और पीहू छोटी सी थी, पीहू ने मुझे बहुत तंग करा उनकी शादी में, और पीहू छोटी सी थी, तो फिर मैंने इस पर क्या करा इसका, नहीं हमारे घर के पास ही टेलर है, मैं उसके पास ले गई, उनसे मैंने पूरा केन इसका निकलवाया, क्योंकि मैं केन कैसा होता है आप लोग को पता ही होगा, बैठा नहीं जाता है नीचे, तो पूरा इसका केन निकाल के इसको मैंने थोड़ा सा हल्का इसको कम कर दिया था, इसको हल्का कर दिया था थोड़ा सा, तो इस वजह से ऐसे लटका हुआ आपको लग रहा होगा ये, केन मैंने इसका निकाल दिया था। ये वाला ब्लाउज नहीं आ रहा था अपने शादी वाला, सोचे 2-2.5 साल में मेरा वेट बढ़ गया था, तो मुझे ये ब्लाउज नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने मार्केट से इसके लिए मैंने दूसरा वेलवेट का ब्लाउज बनवाया था, जो ये है मैंने बनवाया था वेलवेट का ब्लाउज, ये ब्लाउज मुझे कम 1000 का पड़ा था, मुझे पूरा बनना है, कपड़ा इसका ऐसे ही था 700 या 800 का कपड़ा था इसका, और ऐसी इसके कम से कम ये पड़ गया था मुझे 1500 के करीब मुझे ब्लाउज पड़ा था, और ये बनवाया था मैंने, देखिए बहुत ही प्यारा ब्लाउज है ये, तो मुझे अभी भी आता है उतना, फिर भी थोड़ा बहुत टाइट होता ही है थोड़ा हल्का सा, तो ये ब्लाउज बनाया था, तो इसके साथ मैंने इसको उनकी शादी में इसके साथ मैंने इसको पहना था, इसमें मैंने इससे थोड़ा सा मैच करते हुए मैंने इसमें लेस लगवाई, इसका दुपट्टा देखना बहुत ही सुंदर इसका दुपट्टा है, इतना भारी दुपट्टा इसका, ये देखिए इसका दुपट्टा इतना हैवी दुपट्टा है ना, अटकता ही नहीं है ये, पता नहीं पार्लर वाले ने कैसे मेरे सर में इसको अटकाया था। और एक चीज़ और बोलूँ, जो दुकान वाले ने ना मुझे जब ये दिया था शॉप वाले ने, तो इसमें जो ये नहीं था जो आपको ये दिख रहे ना झालर, ये झालर इसमें नहीं थे, ये वाले झालर ये जो सारे ये हैं ये झालर इसमें नहीं थे, फिर मैंने मोती धागे वाले से ये लिया, मैंने हाथ से सिल के लगवाया, रात भर मैंने इसको करा था, 8 बजे से शुरू करा था, 2-3 तो मुझे बज गए थे इसको पूरा लगाने में, एक ही दिन में मैंने पूरे दुपट्टे में लगवाया था, आपको दिख रहा होगा पीछे से सुई से सिला हुआ दिख रहा होगा, मैंने उससे क्योंकि मशीन में इधर से उसने भी खुद ही टेलर ने भी मना कर दिया था, क्योंकि इधर से पूरा स्टोन वर्क है, तो ये टेलर अगर लग तो बोल रहे थे कि हमारी सुई टूट जाएगी इसमें, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया था। और इधर से देखिए भी मैंने अपने हाथ से इसको रखा, बहुत ही सुंदर दुपट्टा है, बहुत ही हैवी दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा रखने वाला भी बना हुआ है इसमें, ये देखिए ये वाला सर में रखने वाला टाइप का बना हुआ है, मैं आपको रख के दिखाती हूँ पूरा, ऐसे ऐसे टाइप ऐसा लग रहा बहुत ही भारी है, ऐसे ऐसे सर में रखा था उस समय, वही फीलिंग आ रही है मुझे अभी, देखिए मैं आजकल की जो दुल्हने होती है ना वो तो इतना अच्छा रखती है, लेकिन मैंने अपनी शादी में इतना तो मैंने रखा ही था, और जो पिछौड़ी थी मेरी, पिछौड़ी में सोच रही थी आप लोग को पिछौड़ी भी दिखाऊंगी, लेकिन पिछौड़ी तो मेरी पता नहीं मैं ढूंढ रही थी मुझे मिली नहीं कहाँ रखी, क्योंकि मैंने नई ले ली है, तो उसमें भी ऐसी लटकन वाले टाइप के बने हुए थे तो निकल गए थे थोड़े से, मैंने करवाई करवा चौथ में दूसरी ले ली थी वाली, मैंने पता नहीं कहाँ रखी हुई है, तो ये ऐसे सजी हुई थी, बाप रे तो सर में भी नहीं अटक रहा है, ये देखिए ऐसे कुछ ऐसे सजा हुआ था, अभी मुझे वही फीलिंग आ रही, इतना भारी लग रहा है ना मुझे अभी, ये लग रहा है कि मैंने उस समय इसको कैसे पहना होगा, सोचो आप लोग तो। और इसके साथ ना मैंने जो चूड़ा पेयर करा था वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ, अभी भी मैंने रखा हुआ है, ये है मेरे शादी का चूड़ा, अब इसका कलर, इसके नग भी बहुत, इसको मैंने खोला 1.5 महीने में या 3 महीने में खोला था, तब तक मैंने ये पहना ही था सारा काम में इसी को पहन के करती थी, तो देखिए ये है मेरी शादी का चूड़ा, तो कैसा लग रहा है आपको, सोचो इतना छोटा साइज था ना ये 2-4 साइज है ये, सोचो अब मुझे 2-8 साइज आता है, ये 2-4 है, सोचो मैंने कितना वेट बढ़ा लिया अपना, देखिए अब तो मेरे यहाँ से नीचे को ये जाता ही नहीं है, ऐसे जाता ही नहीं है, कहाँ इसको मैं पहन पाऊंगी, तो ये रहा मेरी शादी का चूड़ा, ये भी कर ले, और जो मेरे नीचे के स्लीपर थे ना शादी के सैंडल थे जो मेरे, वो तो टूट गए थे, मैंने काफी पहने वो टूट गए, लेडी संगीत हुई थी उसकी चूड़ियाँ भी रखी हैं, लेडी संगीत की जो साड़ी थी ना मेरे मायके से मैंने बनवाई थी, वो बनाई थी ऐसी थी, वो 5-5.5 हज़ार की थी साड़ी बनवाई थी मैंने, उसमें जो लहंगे आजकल तो लहंगा वगैरह बनाते हैं ना, उस समय लहंगे वगैरह का उतना वो नहीं था, तो
मैंने साड़ी बनवाई थी, काफी हैवी साड़ी लेडी संगीत की, तो ये उसके साथ की चूड़ी देखे मैंने अभी भी रखी हुई है। इतनी प्यार उस समय ये इतना सुंदर कलर था ना, ग्रीन और रेड में थी मेरी साड़ी, बहुत ही सुंदर। अगर फोटो होगी तो मैं लगाऊंगी, जरूर नहीं होगी तो कहाँ से लगाऊंगी। तो ये उसके साथ की चूड़ी, तो ये ही था मेरा शादी का लहंगा। तो आप लोग वीडियो जरूर इंजॉय कर लीजिए। एक बार मैं आप लोग को इसको थोड़ा सा पहन के दिखाती हूँ, अगर मेरे लिए हुआ तो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना प्लीज़। जो भी मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना मत जाइएगा। तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहन लिया है अपने शादी का लहंगा। तो लहंगा तो मेरे हो गया था और ब्लाउज नहीं हो रहा है, क्योंकि वो वाला ब्लाउज भी नहीं हो रहा है जो मैंने इसके साथ का दूसरा ब्लाउज बनाया था, वो भी नहीं हो रहा है। तो मैंने दूसरा ब्लाउज पहना है, ये भी थोड़ा थोड़ा इसमें मैच कर रहा है, पिंक कलर का है, तो इस वजह से मैंने दूसरा पहना हुआ है। ये देखिए, ये है मेरी शादी का लहंगा, बहुत ही सुंदर, सर में नहीं अटक रहा है, ऐसे नहीं रुक रहा है। तो सोचिए उस समय मैंने कैसे इसको हैंडल किया होगा, मुझे खुद अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मैं इतना झेल भी नहीं सकती। ये देखिए, फिर से मैं एक बार दुल्हन बन गई। इसके पापा भी बैठे हुए हैं बाहर से, तो मैंने उनसे भी पूछा तो कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए एक बार मैं इसके पापा से और पूछती हूँ कि कैसी लग रही हूँ करके। ये देखिए मेरी शादी का लहंगा ये है। तो वीडियो कैसा लगे बताना, जो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, मैंने आपको अपनी शादी का लहंगा दिखाई दिया है, इसके बारे में भी बता दिया है। तो बताओ अब मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। तब कैसी लग रही थी? बहुत अच्छी लग रही थी। अभी ज्यादा अच्छी लग रही है, उसमें ज्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब पतली हो गई या मोटी? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने लहंगा कहाँ से लिया था। मैंने लिया था थ्री सन्स से, थ्री सन्स मार्केट में, हल्द्वानी मार्केट में है थ्री सन्स की शॉप, तो मैंने वहाँ से लिया था ये लहंगा। ये एक ही बार देखने में मेरे पसंद आ गया था, और लेना तो मुझे रेड कलर का था, लेकिन ये देखते ही पसंद आ गया था, तो फिर मैंने पिंक कलर का ले लिया। तो इसकी अब मैं बताती हूँ इसकी प्राइस। तो इसकी प्राइस थी 18,000 का लहंगा था ये। और सोचो उस समय 10 साल पहले 18,000 बहुत कीमती होते हैं, उस समय बहुत महंगा था ये उस समय के हिसाब से। अभी तो फिर भी बना ही रहे हैं लोग 30, 40, 50, जिसका जितना हो उतना बना रहा है। तो ये 18,000 का लहंगा था। तो आपको पता चल गया है कितने का मेरा लहंगा था और मैंने कहाँ से लिया है। अगर कोई लेना चाहेगा तो थ्री सन्स की शॉप पर जा सकता है। और तो चलिए कल मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।